अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। अभी अम्मी जो है वो नई तंदूरी पे रोटी लगा रही हैं। एक दो दिन तो रोटी साफ नहीं आई, आज मैं आपको दिखाता हूँ कितनी मज़े की रोटियाँ लग रही हैं, ऐसे ना अम्मी। हाँ। अभी देखें, मैं ये देखें नहीं अम्मी, इतनी खूबसूरत रोटियाँ आ रही हैं, देखें। अभी जो तंदूरी है ना हमारी, वो अच्छी बन गई है, ऐसे ना अम्मी। और इसकी ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर बंदा सालन भी बना सकता है, कोई चीज़ रख के। अम्मी ने अभी दूसरी रोटी लगा दी हुई है, देखें। तो मतलब के है कि हमारी जो नई तंदूरी है ना, वो अच्छी हो गई है। दो दिन पहले तो परेशान, हाँ सड़ गई। अगु खड़ी हुई रोटी, मैं क्या थाली कच्ची है, सेक ज्यादा है ना ही वास्ते था सड़ गई है ना। रिमशा जो है वो सुबह से लगी हुई है, चार पाँच सारी जो खराब हो चुकी थी ना, आज उनको साफ कर रही है, ऐसे ही ना। सफाई किया तो मैंने कहा कि ये भी साफ। अच्छा अच्छा, ठंडा ठंडा पानी है ना, है ना, मजा आ रहा है। अभी कल बारिश हुई थी, आज मौसम कितना फ्रेश फ्रेश हो गया है। सुबह तो ऐसे लग रहा था जैसे सर्दियां आ गई हैं, ऐसे ही ना। और अम्मी इधर आयशा को झूठा दे रही हैं, सुला रही हैं, ऐसे ना अम्मी। अभी रिमशा शादी आ रही है, इस पे पानी डालना है, ठीक है। अरे अम्मा मजाक की थी, कही अम्मा मजाक की थी खड़ी है, तू ही मजाक करे ऊकू मार के देवी देवाल हूं देखा वो कह नहीं आधी खड़ी शिकायत लेंदी शाहजिया शिकायत हैं अम्मी के अबू कह रहे हैं सारा पानी आ रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग, किस तरह लगी है, लगी है? नहीं मुझे नहीं लगी। खाली पानी ना साफ थी चावा साथ माल चावा। देखा
अभी आयशा को तो भूख लगी हुई है तो अपनी उंगलियां जो है वो चूस रही है। भूख लगी हुई है आयशा, भूख लगी हुई है। ले आइयो इसका दूध, अभी ले आती हूँ। अभी ले ले जा रही है, इसको भूख लगी हुई है। देखो वो कैसे अपना मुंह में लेके ना चूस रही है हाथों को ना अपने। हाँ ये ले आती हूँ अभी। अभी रिमशा ने की थी मजाक, अम्मी जान जो है वो सीरियस हो गई थी, अम्मी को लगा के रिमशा जान बूझ के उसके कपड़े जो है वो खराब कर रही है। तो अभी मौसम की सूरत हाल कुछ ऐसे है कि थोड़े थोड़े बादल बने हुए हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो है गंदम। मैं आपको चल के दिखाता हूँ क्योंकि बारिश की वजह से आपको पता है अभी गंदम तैयार है तो नुकसान हो सकता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो फसल है वो ख़राब नहीं हुई, देखें सारी फसल जो है वो खड़ी हुई है। तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा आंधी और बारिश आई है लेकिन बचत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। भी थोड़ी थोड़ी देखें यहाँ पे ख़राब हुई है थोड़ी थोड़ी जगहों पे, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है। इसमें जो सिटियाँ हैं ना दाना है वो सही तरह से पकेगा, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अब ये बात ये नहीं है कि ये मेरी है या ये आपकी है, बात ये नहीं है। तो ये है कि ये हमारे मुल्क को इस टाइम गंदम की आटे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये अगर किसी का नुकसान होगा तो मतलब मेरा नुकसान होगा, मेरे मुल्क का नुकसान होगा, मेरे मुसलमान भाई का नुकसान होगा। तो इस तरह का सोचना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब देखें सारी फसलें, सारी मैं एक का नाम नहीं कह रहा, सारी बिल्कुल ठीक खड़ी हैं। तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैंने सुबह ही उठ के मैंने पहले ये चीज़ देखी थी कल कि फसलों को तो नुकसान नहीं हुआ ना, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ है। कोई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मैं एक वीडियो देख रहा था वहाँ पे बर्फ़बारी हुई है, सारी फसलें तबाह हो गई हैं, कुछ नहीं बचा, कख नहीं बचा। तो यकीन माने मैं बड़ा परेशान हो गया कि मैंने कहा देखें अल्लाह ताला, एक तो लेकिन अल्लाह ताला जो करता है हम इससे एग्री हैं कि अल्लाह ताला जो करता है उसमें हमारी बेहतरी होती है। हमें वक्ती तौर पर पता नहीं होता लेकिन इसमें हमारी अच्छाई होती है। लेकिन अल्लाह का ख़ास करम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इलाके में फसलें जो हैं वो बिल्कुल ठीक खड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह।